गाइस चैप्टर है इंडेसेस, ठीक है, सबको पता है लाइक मैंने लिखा है 2 raised power 5, ठीक है। तो 2 raised power 5 का क्या मतलब है, देखो इसका ये मतलब है कि आपको 2 को 5 बार ही लिखना है, 2 को 5 बार ही लिखेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो दिस इज 2 raised power 5, कैलकुलेट करना सबको आता है, कितना हुआ 32। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 3 raised power 2, तो जितनी पावर है, जिसे कि हम इंडेक्स भी बोलते हैं, इसी का प्लूरल होता है इंडिसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर है वो 2 है, दैट मींस आपको किसको, एस को, इसे बोलते हैं बेस, दिस इज बेस, बेस इज 3 एंड दिस इज पावर। तो आपको बेस को कितनी बार लिखना है, जितना पावर है उतनी बार लिखना है, और उसे मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 9, ठीक है, ओके। सो बेटा अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5 raised power 3, तो बेसिकली आपको करना है कि आपको नंबर 5 को 3 बार लिखना है और आपने उसे मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 120, ओके। एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, प्लीज रिमेंबर, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, ठीक है। सो बी रेस पावर 0 इज 1, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बेटा अगर मैंने यहां लिख दिया 2 raised power 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised power 4, ध्यान से देखना भाई, तो बेसिकली दिस मींस 2 इज रिटन 3 टाइम्स एंड गेटिंग मल्टीप्लाइड, है ना। ऐसे इसका क्या मतलब है, 2 को 4 बार लिखना है और उन सबको मल्टीप्लाई करना है और इनको भी मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो गया 2 हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम्स मल्टीप्लाइड, है ना। सो दैट मींस 2 raised power 7, कितना हो गया 120, ठीक है, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला है, होता क्या बेटा, देखो भाई ये एक्सपोनेंट फॉर्म में, ऐसे बोलता हूं मैं, एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर बेस सेम है, बेस कितना है, दोनों में 2 2 है, अंदर गेटिंग मल्टीप्लाइड, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्या आ गया 2 raised power 7, नीचे वेरीफाई करके भी दिखाया मैंने आपको, ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां लिख दिया मैंने 3 raised power 2 इंटू 3 raised power 4, दोनों के दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस दोनों का सेम होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे बेस सेम भी है, ठीक है। सो क्या होगा यहाँ पे 3 raised power 2 plus क्या आ गया 3 raised power 6, ठीक है। तो सेकंड जो फॉर्मूला है बेटा वो ये है, b की पावर m इंटू b की पावर n, आप देख सकते हो दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दोनों का बेस सेम है b, तो पावर विल बी एडेड b raised power m plus n, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, इसके एग्जांपल में ऑलरेडी ऊपर दे चुका हूं, कोई डाउट है, ओके। अब बच्चों को लगता है पावर नेगेटिव नहीं होता, पावर नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 raised power 5 into 2 raised power -3 लिखा हुआ है तो भी सेम फॉर्मूला विल बी यूज, बेस इज सेम, यू ऑल कैन सी हियर, बेस इज सेम और दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर भी एडेड, ठीक है। सो 5 plus -3 क्या हो गया 2 raised power 5 -3 व्हिच इज 2 raised power 2, ठीक है। तो 2 raised power 2 बोले तो 2 into 2 = 4, ठीक है, ओके। कोई डाउट है किसी को? सो दो फॉर्मूले पढ़ लिए, b raised power 0 is 1, याद रखना, और दूसरा फॉर्मूला ये रहा। थर्ड फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3, बट फॉर्मूला नंबर 3 को समझाने के लिए मैं फिर से एक एग्जांपल ही लूंगा। मैं यहां लिख रहा हूं 2 raised power 5 divided by 2 raised power 3, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझाया कि 2 को कितनी बार लिखना है, 5 बार ही लिखना है, मैंने लिख दिया। तो सेकंड फॉर्मूले में क्या हुआ, आप देख सकते हो 2 raised power 5 और 2 raised power 3 दे आर इन डिवीजन, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर भी सब्ट्रैक्टेड, लेकिन आप देखो मैं यहां अपर पावर माइनस लोअर पावर लिखूंगा, 5 माइनस 3, सो 2 raised power 5 by 2 raised power 3
क्या हो गया 2 रेस पर 5 माइनस 3 क्या हो गया 2 रेस पर 2। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और दूंगा बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये ऐसा होता 2 रेस पर 3 बाय 2 रेस पर 5, अगेन हम क्या लिखेंगे 2 रेस पर 3 माइनस 5। अच्छा आप ये देखो, मैं फाइनली जो है इसे ऊपर लिख रहा हूं, है ना, 2 रेस पर 3 बाय 2 रेस पर 5, मैं लिख रहा हूँ 2 रेस पर, ऊपर लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर में लिख रहा हूँ, तो ऊपर वाला पावर माइनस नीचे वाला पावर। इसका एक दूसरा तरीका भी है, अगर आप इसे नीचे लिखना चाहते हो तो नीचे वाला पावर माइनस ऊपर वाला पावर, यहां देखो ये दोनों बराबर है, ठीक है, मैंने क्या लिखा 2 रेस पर 3 माइनस 5, है ना, और एक दूसरा मैंने ये भी लिखा है इसके लिए, ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है गाइज, आप देख सकते हो ऊपर अलग था नीचे अलग है, 2 रेस पर 3 बाय 2 रेस पर 5। ठीक है, ये क्या हो गया 1 ओवर 2 रेस पर, ठीक है, और ये क्या है 2 रेस पर माइनस 2। ठीक है, ये इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। ठीक है, अब देखो अगर आप, अगर नीचे वाला पावर बड़ा है तो बेटर होता है नीचे वाला माइनस ऊपर वाला करो, तो आप नीचे लिखो। ठीक है, मैं एग्जांपल दूंगा, वन मोर एग्जांपल, 3 रेस पर 4 बाय 3 रेस पर 1 इंटू 2 रेस पर 2 इंटू 2 रेस पर 7। ठीक है, अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है, बेटर ऑप्शन विल बी, ये डिवीजन में दिख रहे हैं दोनों में क्या है, दोनों में बेस सेम है, सो पावर बी सब्ट्रैक्टेड, अब अपर माइनस लोअर लिखेंगे, लिख दिया हमने। ठीक है, ओके, यहां भी लिख सकते थे आप अपर माइनस लोअर, लेकिन ऊपर लिखना पड़ेगा, ये भी ठीक है, बट बेटर चॉइस विल बी, मैं क्या कर रहा हूं, नीचे वाले की पावर क्या है बड़ी है, तो नीचे वाला पावर माइनस ऊपर वाला पावर, लेकिन अब मैं जब लिखूंगा आप इसे नीचे लिखूंगा। ठीक है, ओके, क्या आ गया 3 रेस पर 3 बाय 2 रेस पर 5, ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा और कुछ नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा फर्क पड़ेगा। 3 रेस पर 3 कितना हो गया, 3 को 3 बारी लिखना है आपको पता है, और 2 को 5 बारी लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है, सबको पता है 27 बाय। ठीक है, सो फॉर्मूला नंबर थर्ड ये बेटा, बी की पावर एम बाय बी की पावर एन, क्या लिखेंगे, इक्वल टू बी रेस पर एम माइनस एन, और आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, 1 ओवर b की पावर क्या लिखेंगे बताएगा कोई, हाँ क्या लिखे, n माइनस n। ठीक है, ऊपर लिख रहे हैं तो ऊपर वाला पावर माइनस नीचे वाला, ठीक है, अगर नीचे लिख रहे हैं तो नीचे वाला पावर माइनस ऊपर वाला। ठीक है, आप ज्यादातर ये वाला यूज करते हुए आए हो, लेकिन इसका भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, सो दिस वाज थर्ड फॉर्मूला, ओके, कोई डाउट है क्या? अच्छा, मैंने अभी यहाँ पे सिखाया था 5 की पावर 4, तो इसको तो आप समझ जाते हो, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है कि आपको 5 बारी, 5 को 4 बारी लिखना है, कितनी बारी लिखना है, जितना पावर होता है उतनी बारी लिखते हैं, ये सिर्फ पॉजिटिव पावर के लिए है, है ना, 5 को हमने लिखना है कितनी बारी, 4 बारी, और मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा वो आंसर होगा, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे आता 5 की पावर माइनस 4, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, इसमें आप क्या करोगे, पहले पावर को पॉजिटिव बनाना है, पहले पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करोगे, 5 की पावर माइनस 4 था, ये 5 की पावर 4 बन जाएगा, लेकिन ये रेसिप्रोकल में पहुंच जाएगा, 1 अपॉन 5 की पावर 4, होता कुछ नहीं है, अगर आप पावर का साइन चेंज कर रहे हैं, माइनस 4 से 4 कर रहे हैं, तो पहले ऊपर लिखा तो आप नीचे लिखो, है ना, दोबारा से फिर से देखो भाई, मैं पावर का साइन चेंज कर रहा हूं, 5 की पावर 4 लिखा हुआ है, तो मैं लिखूंगा 5 बाय माइनस 4, लेकिन आप पहले नीचे लिखा था, आप ऊपर लिख दिया। ठीक है, ओके, एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, ये लिखा है 2 रेस पावर 3, मैं जानबूझ के अभी पावर का साइन चेंज करना चाहता हूं, 3 लिखा हुआ है, मैं लिखना चाहता हूं माइनस 3, क्या लिखूंगा, 2 की पावर माइनस 3, बट क्या लिखूंगा, पहले ऊपर लिखा हुआ था, अब फिर से देखते हैं, चलो नीचे लिखा हुआ है, पावर क्या है माइनस 3, है ना, नीचे लिखा हुआ 2 रेस पर माइनस 3, तो अब मैं पावर पावर का साइन चेंज कर रहा हूँ, प्लस 3 लिख रहा हूँ, तो नीचे से ऊपर आ गया। ठीक है भाई, क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, बोलो डाउट है तो, डन। सो फॉर्मूला नंबर 4 है बेटा, फॉर्मूला नंबर 4, बी रेस पर माइनस एम इज इक्वल टू 1 ओवर बी रेस पर एम। ठीक है, क्लियर है, और अगर मैंने यहां लिख दिया बी रेस पर एम, बी रेस पर एम, तो क्या हो जाएगा 1 ओवर b रेस पर माइनस है,
किसी को इस फॉर्मूले में डाउट है तो अभी बता दो, नहीं है? चलो तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे गाइस। आप लोग करोगे 2^-1 की वैल्यू, -4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अभी, कैलकुलेट इट्स वैल्यू। क्या हुआ? हमें पावर का साइन चेंज करना है, तो सेम चीज लिखेंगे बट पावर का साइन चेंज करके लिखेंगे। पहले ऊपर लिखा था, अब नीचे लिख दिया 2^4 इक्वल्स 1 तो 1 है, 2^4 का क्या मतलब है? 2^4 का मतलब है कि 2 को 4 टाइम्स लिखना है और उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है क्या? क्लियर है? ओके हां जी, तो गाइस आप लोग करें 3^-2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/3^2। ठीक है, बट कॉपी पे जरूर करें भाई, कई बार क्या होता है इन्हीं को देख के कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो कॉपी पे कर ले, 2 मिनट ए हार्डली 10 सेकंड्स में तीनों कर सकते हो। ठीक है भाई, सो गाइस दिस इज 1/4^2 कितना हो गया 1/5^3, मतलब 5 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो गया? ओके ओके, नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना भाई। मैंने लिख दिया 1^-0.3, हां जी क्या होगा? 1^3/5, हां जी क्या होगा? 1^5, हां जी क्या होगा? कैलकुलेटर से करोगे? कर लो, ठीक है करो। वाह रे वाह, अच्छा कैलकुलेटर से कैसे करोगे 1^5? सुनो भाई, सुनो, 1^anything इज ऑलवेज 1, सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज 1^anything इज ऑलवेज 1, दैट एनी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, जीरो, एनीथिंग, सो दिस इज ऑल्सो 1, अरे बातें नहीं, दिस इज ऑल्सो 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। ठीक है, तो करो भाई कैलकुलेटर सॉल्व। ठीक है भाई, ओके बात है नहीं, बेटा क्या बोल रहा है तू? 12 रूट वाला, 12 रूट वाला क्या बोल रहा है? समझ गया, ओके हाँ जी भाई क्लियर है। अगर ऐसा लिखा है 2^2, चलो 2^3, 4^2, अच्छा एक मिनट, अगर मैंने ऐसा लिखा है 2^3 ऐसा लिख दिया, इसका क्या मतलब है? एक मिनट, ये बोला है जब पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो 2^9 हो गया, सॉरी 2^6 हो गया। एक मिनट, 6 वाले कितने लोग हैं? सारे 6 वाले हैं, 9 वाला कौन है यार? 9 वाला कौन है? ये 9 कौन बोल रहा है? 2^9 और 6 भाई, देखो ऐसा है, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ बच्चों को ये फील होता है ये 2^3 × 2 × 6 होगा, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि ये ऐसा क्यों लगता है? लिसन, क्योंकि बच्चों ने ये पढ़ा हुआ है, और ये क्या है? पावर का पावर है, तो आप क्या करते हो? इसे मल्टीप्लाई कर देते हो, क्या हो गया? 2^6। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, फॉर्मूला है b^m का होल पावर n। ठीक है, होल पावर है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, m और n को मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आएगा b^mn आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऊपर दिया हुआ है इसका, एग्जाम्पल दिस इज द एग्जाम्पल। ठीक है ओके, पहले एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, टू रेस पर 5 होल रेस पर 2 कितना हो जाएगा भाई? 2^10 विच इज 1024। ठीक है, 1024, क्या किया हमने? पावर्स को मल्टीप्लाई किया है, 5 × 2 क्या हो गया? 2^10।
क्या आ गया 102। अच्छा इसको मैं पहले समझाता हूँ, जो यहाँ पे बेटा ये जो चीज है ना ये गलत है। क्यों गलत है रीजन बताता हूँ आपको। अच्छा देखो ये अगर 2 raised to 5 का होल पावर 2 है, आप इसको कैसे भी सॉल्व कर लो, पहला बच्चा बोलता है सर पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो क्या हुआ, 2 को कितनी बार लिखेंगे 5 times, और सॉल्व कर देते हैं 32 हो गया। तो 32 की बार 2, इसका क्या मतलब है 32 को दो बार ही लिखना है और मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट 1024, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। अच्छा एक और चीज, अगर आप इसको ऐसे भी तो सोच सकते हो कि एक बेस का पावर कितना है 2 है। देखो मेरे लिए ये बेस हो गया, बेस का होल पावर 2, तो इस बेस को मैं कितनी बार लिखूंगा, दो बार ही। बेस क्या है 2 raised to 5 लिख दिया, कोई डाउट है क्या? अभी भी आप कर सकते हैं 2 raised to 5 + 5 = 10, ठीक बोल रहा हूं। देखो कॉन्सेप्ट कभी भी लगाओ किसी भी क्वेश्चन में, अगर सही कॉन्सेप्ट ला रहे हो सही आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप आराम से ठीक से समझ के कॉन्सेप्ट लाएंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट लगाओ आंसर हमेशा सेम ही आता है, बिल्कुल सही आता है। ये देखो इससे किया आ गया 1024, इससे किया सोचने का तरीका चेंज कर दिया मैंने, बट आंसर अभी भी सही आ रहा है, क्योंकि सोचने का तरीका जो है जो कॉन्सेप्ट है वो परफेक्ट है। मैंने क्या किया, ये बेस है, बेस का पावर 2, तो इस बेस को मैंने दो बार लिख दिया और मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आप मल्टीप्लाई कर लो चाहे जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1024, ठीक है ओके। अब ध्यान देना भाई यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ ये 2 raised to 6 नहीं होता, रीजन अभी तक जितने भी मैंने कराए हैं इनमें ब्रैकेट लगा हुआ, ध्यान दे रहे हो आप, क्या लगा हुआ है ब्रैकेट। अच्छा अगर ब्रैकेट नहीं लगा तो क्या मतलब होता है, ठीक है। देखो भाई आपकी गलती नहीं है, 12वीं भी पास कर लेते ना बच्चा, तो सडनली अगर ये दे देना तो बेटा बिलीव मी 98% बच्चे गलत करते हैं इसको। आपने भी ज्यादातर सबने 2 raised to 6 ही बोला था, कुछ ही थे 9 वाले, ठीक है। तो होता क्या है, पहले तो ऐसा कभी मिलता नहीं आपको, मिलता है तो ब्रैकेट में मिलता है, ठीक है। सडनली मिल गया तो होता क्या, जब ब्रैकेट नहीं लगा पावर की बार की बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ऊपर से नीचे चल रहे हैं हम। कभी भी पावर जब ऐसे लिखा हो तो ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करना है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऊपर पहले ये 2, फिर 3 की पावर 2, तो पहले हम 3 की पावर 2 सॉल्व करेंगे। एक्चुअली इसका मतलब होता है 2 raised to 3 मतलब 2 whole raised to 3 की पावर 2, ये है इसका मीनिंग। मैंने सिंपल सा रूल दिया है, अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है पावर्स में तो ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करना है, ठीक है ओके। वैसे भी इसका ऐसा क्यों हो रहा है ये भी बता देता हूं आपको बेटा, बॉड मास से भी पहले कुछ होता है, पता है क्या होता है, एक्सपोनेंट। ब्रैकेट तो बॉड मास में आ ही गया, ब्रैकेट तो बॉड मास में आ ही गया। आप खुद देखो, अगर मैंने ऐसा लिख दिया 2 raised to 2 - 5, बॉड मास के अकॉर्डिंग ना तो यहाँ ब्रैकेट आ रहा है, ना डिवीजन आ रहा है, ना एडिशन आ रहा है, एक सब्ट्रैक्शन आ रहा है। तो मैं सीधा सब्ट्रैक्ट कर दूं क्या, क्या करोगे पहले सॉल्व पावर, तो पहले पावर सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे तो इसकी पावर क्या है, 3 की पावर 2 है, तो पहले उसको सॉल्व करो, पहले पावर को सॉल्व करो, 3 की पावर 2, 3 का पावर क्या है 2, ठीक है। तो पहले पावर को सॉल्व करना होता है, बॉड मास से भी पहले आता है, ठीक है। हालांकि बच्चों को नहीं बताया जाता, बॉड मास ही पढ़ाया ऑलमोस्ट बच्चों ने, बट करते ऐसे ही है, नहीं पहले पावर ही सॉल्व कर रहा है, अगर सॉल्व करना होता तो भाई यही है कि पहले आपको पावर को सॉल्व करना है, सिंपल सा लॉजिक ये है, इसलिए वहां पे ब्रैकेट होना चाहिए, मतलब 3 बार 2 पहले सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या गया 2 3 बार 2 कितना हो गया 3 × 3, अब बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि बच्चे 3 × 2 कर रहे थे, है ना, क्या हो गया 2 raised to 9 = 5 × 2, ठीक है। तो आपकी गलती नहीं है, बस इसको ध्यान रखना, क्योंकि देखो ये चीज मिलती नहीं है बच्चों को जनरली, ठीक है। कैसे करेंगे, x की पावर 2 की पावर, ये x ऐसा लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका, हाँ जी वो बताएगा, x की पावर, तो x की पावर 8 मत बोल देना, गलत हो जाएगा। सिंपल सा रूल दिया है, अगर पावर्स में ब्रैकेट नहीं है तो ऊपर से नीचे सॉल्व करना है, ठीक है ओके। मतलब पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, सो 2 raised to 4 कितना हो गया 60, ठीक है। सो दिस इज x raised to 60,
क्लियर है? ओके ओके गाइस, यहां तक कोई डाउट है? नहीं, पक्का? ओके कुछ क्वेश्चन कर ले पहले। क्वेश्चन है, अच्छा सुन लो भाई, पहले एक मिनट ध्यान देना जरा। अगर यहाँ पे लिखा है 9 की पावर x = 3, मुझे इसे सॉल्व करना है। कैसी इक्वेशन है ये? ये है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्यों बोलते हैं? देखो 2 raised by 5 में इसे हम बोलते हैं बेटा, 5 को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ठीक है, पावर बोल लो, इंडेक्स बोल लो, या एक्सपोनेंट बोल लो, एक ही मतलब है। तो अगर अगर अननोन एक्सपोनेंट में हो तो उसे हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कभी भी सॉल्व करनी है तो एक सिंपल सा रूल यही है कि बेटा आपको बेस सेम बनाना है। एक जगह बेस 9 है, एक जगह 3 लिखा हुआ है, तो मैं 9 को क्या करूंगा? 9 इज अ बिग नंबर, हमेशा बिग नंबर को फैक्टराइज करो इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। सबको पता है ये होता है 3 × 3 होता है, सो एक्चुअली दिस इज 3 raised by 2। अच्छा मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया? आप बोलोगे ब्रैकेट तो नहीं था सर। अगर एक सिंगल नंबर के लिए कुछ बड़ा सा लिख रहे हो या आप उसे ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, क्या किया मैंने? अब क्या होगा? पावर का पावर, पावर विल बी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2x = 1, सो x = 1/2। ठीक है भाई, कोई डाउट है क्या? x = 1/2। ठीक है, हालांकि हम इसे लॉग की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट मैं नहीं कराऊंगा लॉग की हेल्प से। ठीक है, 9 raised by x = 3 था, हमने सॉल्व किया तो x = 1/2 आ गया। ठीक है, डू वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाँ जी करो जरा, पहले तो कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई कर ही देंगे, कितना आ गया? 12। फिर ए बेचारा अकेला और कहीं है? नहीं है, तो सिंपली ए आ गया। सो बी की पावर कितना हो गया? 3 + -2, अरे बातें नहीं। फिर सी की पावर कितना है? सी की पावर 4 भी है और सी की पावर -2 भी है (d). ठीक है, सो 12 a b की पावर 1 c की पावर 2 d, सो 12 a b c square d। ओके अच्छा, कहीं पे मैंने ऐसा लिखा है ए बी सी स्क्वेयर, तो आपको ये तो नहीं लगता ना कि ए बी सी का होल पावर 2 है? अगर ऐसा लिखा है 2a की पावर 4, बट कई बार लगता है बच्चों को लगता है 2a के ऊपर लगा हुआ है होल पावर 4, ऐसा नहीं है। ठीक है, a के ऊपर पावर 4 लगा हुआ है सर। ठीक है ओके, एक क्वेश्चन और करेंगे। 4 × x−2 y(1/x)−2/3 y(1/3, हाँ जी सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। ये 4 अकेला है बेचारा। अब x की बात करेंगे, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दे आर इन डिवीजन, है ना, डिवीजन है, तो क्या करेंगे? x ऊपर क्या होगा? -2, ये क्या है? -2/3। बच्चा बीच का माइनस लिखना भूल जाता है, देखो इसलिए मैं हमेशा दोनों लिख दिया, फिर अलग से बीच का माइनस लिखता हूँ, बाद में लिखता हूँ, मैं गैप बना के रखता हूँ। फिर y की पावर 1 है, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे माइनस। अच्छा बेटा, लगातार के जब भी दो साइन आते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो लगातार के दो माइनस आ रहे हैं, तो आपने सबने रटा हुआ माइनस माइनस प्लस, लगातार वाले को रिप्लेस ही कर दिया करो, माइनस माइनस आपने बोला प्लस प्लस लिख दिया। ठीक है, 2/3 वाई की पावर 1 - 1/3 है ना, तो भाई सॉल्व करना सबको आता है दो में से। ठीक है, एलसीएम ले लो, चलो कोई बात नहीं, मैं आराम से कर देता हूं। ठीक है, x की पावर -4/3 y की पावर 2/3, सो गाइस आ गया 4 × x की पावर -4/3 y की पावर 2/3, कोई डाउट है क्या? क्लियर है, पक्का? ओके थोड़ा सा बेटा मैं सर्ड पे बात करता हूँ, थोड़ा सा सर्ड क्या होता है? अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है √2, दिस इज अ सर्ड, मैंने ऐसा लिखा हुआ है √4, दिस इज अ सर्ड, मतलब अगर आप रूट को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसे सर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया √4
फोर्थ रूट ऑफ थ्री, देखो इसका मतलब होता है, एक मिनट सुनना ध्यान से, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं रेडिकल, क्या बोलते हैं रेडिकल, ये भी रेडिकल है, और यहाँ पे ना कुछ लिखा नहीं है बट बाय डिफॉल्ट वहां पे टू लिखा हुआ है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ है टू, ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ अंदर अंदर कोने में कॉर्नर में तो वो टू लिखा हुआ है। अच्छा इस टू का क्या मतलब, इसका मतलब होता है सेकेंड रूट, किसका टू का, यहाँ पे क्या है थर्ड रूट, किसका, इसका मतलब क्या है फोर्थ रूट, किसका थ्री का, ठीक है। अच्छा सुनना भाई, इसका रेडिकल कितना था फोर था, इसलिए मैं इसे लिखा थ्री रेस पर वन बाय फोर, ध्यान देना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, रेडिकल कितना है फोर, तो लिख दिया थ्री की पार वन बाय फोर, इसका रेडिकल कितना है थ्री, इसे लिखेंगे फोर की पार वन बाय थ्री, इसका रेडिकल कितना है टू, कुछ नहीं लिखा मतलब टू, तो टू रेस पर वन बाय, सिंपल सा लॉजिक है, आर एथ रूट ऑफ एक्स इज ऑलवेज एक्स रेस पर वन बाय आर, किसी को कोई डाउट है, ओके अगर मैंने ये फॉर्मूला है, ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिख दिया आर एथ रूट ऑफ एक्स और इसे लिख दिया आर रूट एक्स, दोनों में फर्क है, तो इस डिफरेंस को बनाए रखना, एक जगह आर बिल्कुल उसके अंदर है कॉर्नर में है, एक जगह बाहर है, ठीक है, तो बेटा इसका तो मतलब है आर एथ रूट ऑफ एक्स मतलब एक्स की पार वन बाय, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो चीज मल्टीप्लाई हो रही है, एक मिनट, कौन कौन सी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, ये दोनों, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आर तो आ रही है और ये जो है बेटा ये क्या है एक्स की पावर, क्या लिखेंगे वन बाय टू, क्या लिखेंगे वन बाय, सो दिस इज जस्ट लाइक दिस, दे नॉट इक्वल, कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि कई बार ऐसा लिखा होता है क्यू रूट ऑफ टू और कई बार ऐसा लिखा होता है थर्ड रूट ऑफ टू या ऐसा लिखा होता है थर्ड रूट ऑफ फाइव, ठीक है, क्लियर है बेटा, दे नॉट, अच्छा यहाँ पे मैं एक मिनट जब फाइव ले रहा हूँ गाइस, ठीक है, तो दोनों इक्वल नहीं है, यानी ये क्या होगा, ये होगा फाइव की पार वन बाय थ्री, ये होगा फाइव की पार वन बाय टू, और साथ में क्या मतलब आ रहा है, क्या मैं थ्री फाइव से फिफ्टीन लिख दू, हाँ जी, पहले पावर सॉल्व करेंगे, मतलब पहले आप ये सॉल्व करेंगे, और मुझे नहीं पता आप सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो एक अलग बात है, सडनली लिख दिया मैंने रूट थर्टी, निकाल पाओगे क्या आसानी से, नहीं ना, ठीक है, ठीक है, तो ये नहीं कि थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन कर दिया, गलत हो जाएगा, ओके, हालांकि रूट फाइव होता है 2.23, निकाल पाओगे आप, रूट निकालना सिखा दूंगा मैं, वैसे तो आपके शायद कैलकुलेटर में होता है रूट, सो गाइस कुछ क्वेश्चन और करेंगे, ध्यान देना भाई सब लोग, टू ए की पार हाफ इंटू बी की पार माइनस वन बाय थ्री इंटू सी की पार टू, ऐसे नीचे लिखा हुआ है, जो भी है अभी सिखाया है कुछ उसका भी यूज करेंगे, ध्यान से करें, मिस्टेक नहीं चाहिए मुझे, आ गया भाई, सो गाइस जो भी है फटाफट सॉल्व कर रहे हैं, मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, बी की पावर जस्ट अ मिनट कितना आएगा, बी की पावर माइनस सेवन बाय ट्वेल्व, ठीक है, बाय थ्री, सी की पावर टू माइनस हाफ थ्री बाय टू, मैंने थोड़ा फास्ट किया है, देख लेना मे बी कुछ गलती ना हो, आप लोग बताओगे गलती है कि नहीं, ठीक है, ठीक लिखा भाई मैंने आंसर, ठीक है क्या, हाँ जी, ए की पावर वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री करोगे, देखो एक बार वन बाय टू है, नीचे क्या है एक बार वन बाय थ्री है, सो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री क्या हुआ, एलसीएम लोगे सिक्स, थ्री माइनस टू क्या आ गया, ए रेस पावर वन बाय सिक्स, मैंने बिना सब्ट्रैक्ट किए भी आंसर लिख दिया, फिर भी तुम लोग गलत कर रहे हो, हाँ बुक का क्वेश्चन नहीं था ये, बस सोचना मैंने देख के लिखा है, बुक से तो बस टाइप ऑफ क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चन मेरे अपने, हाँ एक मिनट करते हैं, जो भी ये परफेक्ट आंसर है इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, हो सकता है किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया हो, दैट इज अनदर थिंग, ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे ने ऐसा लिखा हो, ये दो आंसर हो सकते हैं, ये या ये, दोनों ही परफेक्ट है, ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है,
क्लियर है? चलो मैं कराता हूं, देखना भाई ध्यान देना जरा, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी मैं कराऊंगा, ये हो सकता है मेरे किसी एक स्टूडेंट का ना हुआ हो। हाँ जी देखना, टू ए की बार वन बाय टू, बी की बार माइनस वन बाय थ्री, ठीक है एक मिनट बेटा, आंसी की बार टू, नीचे क्या है ए की बार कितना होता है वन बाय थ्री, ये क्या होता है बी की बार वन बाय, और ये क्या होता है थ्री अलग है, और सी की बार वन बाय, ठीक है यहाँ पे नंबर एक ऊपर टू है नीचे थ्री है, तो बेसिकली क्या हो गया टू बाय थ्री ए की पावर, गाइस ए की पावर, ए की पावर वाला ये वाला पोर्शन है, सो अपर पावर माइनस लोअर पावर, ठीक है फिर बी लिख रहा हूं मैं माइनस वन थर्ड एंड वन फोर्थ, दोनों के बीच में क्या आएगा माइनस, ठीक है भाई, फिर सी की पावर टू और यहाँ पे क्या है वन बाय टू, ठीक है क्या होगा टू थर्ड ए की पावर, क्या लिखोगे वन बाय बी की पावर, एलसीएम लेना सबको आता है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं भाई माइनस सेवन बाय सी की पावर टू माइनस, ठीक है कोई डाउट है तो मैंने आंसर यही लिखा होता, ठीक है कुछ लोग इसे मन में भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू आपकी इंटेलिजेंस में डिपेंड करता है, लेकिन मन में लिखने की कोशिश ना करें भी फिलहाल, ठीक है ओके, वो टाइम के साथ आता है, अभी तो आप कॉपी पे लिख लिख के करें जो भी करना है, ठीक है अभी स्पीड के पीछे नहीं भागना है बेटा, बार बार बोल रहा हूँ जो बच्चा अभी से स्पीड के पीछे भागेगा कचड़ा कर लेगा कॉन्सेप्ट का भी और पेपर का भी, पहले एक्यूरेसी के पीछे भागो, वंस यू गॉट एक्यूरेसी फिर हम स्पीड के पीछे भी भागेंगे, ठीक है वन बाय वन चीजें लेनी चाहिए कभी भी, ये नहीं कि चारों हाथ से आ जाओ भैया, ठीक है कुछ नहीं मिलने वाला उसमें, टारगेट एक होना चाहिए फिलहाल, तो समझ में आ गया क्लियर है। अच्छा एक बच्चे ने ये लिखा हुआ है, अगर किसी बच्चे ने ये लिखा हुआ है इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो ये गलत थोड़ी ना है, क्योंकि उसने क्या किया इसको नीचे लिख दिया है ना, क्या लिख दिया बी की पावर माइनस सेवन बाय ट्वेल्व था, पावर का साइन चेंज कर रहे तो नीचे ले गया, इसको क्या दिक्कत है, ठीक है ओके, सो ये दोनों ही आंसर परफेक्ट थे, ठीक है ओके, डू वन मोर क्वेश्चन, देखते हैं क्या करते हो। अच्छा एक फॉर्मूला और गाइस, मैंने लिखवाया नहीं था, सुन लो ए बी सी का होल पावर एन, ठीक है इसमें क्या है एक्चुअली ए बी सी आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, दोनों के तीन सबके बीच में क्या है मल्टीप्लाई और होल पावर क्या है एम, तो बेटा ये जो पावर होता है ये पावर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है मल्टीप्लीकेशन पे और डिविजन पे, तो ए बी सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए इनपे अलग अलग हम बांट सकते हैं, ठीक है और सिमिलरली डिवीजन पे भी ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ए की बार एम और बी की बार एम, लेकिन अगर मैं बोलता हूं ए प्लस बी का होल पावर टू ये एम, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, हां जी पूछ रहा हूं मैं आपसे, हाँ एक बच्चा बोल रहा है हाँ सर, अगर आप हाँ बोल रहे हो तो आपके अकॉर्डिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, कोई बात नहीं होता है गलतियां करने के लिए ही हो, अभी फिलहाल गलती से तो सीखोगे, तो ये बराबर नहीं होता है, तो मैं बस क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा ये जो पावर है दिस पावर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओनली ओवर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, देख सकते हो मैंने मल्टीप्लाई पे और डिवाइड पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग बांट दिया है, बट नॉट ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे कभी नहीं बांटोगे, वहां पे बांट दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है मान ओके क्लियर है। अगर मैंने लिखा ए माइनस बी का होल पावर फोर, क्या मैं ऐसा लिख दू ए की बार फोर माइनस बी की बार फोर, सही लिखा क्या, नहीं दे आर नॉट इक्वल, तो सिंपल सी लाइन में मैंने एक बात बोली है पावर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन नॉट ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है भाई कोई डाउट है, तो बेटा एक क्वेश्चन करने को दिया था ट्राई कर लिया हो गया ओके बहुत बढ़िया हो गया, तो आंसर का वेट कर रहे हो, आंसर बताता हूं मैं, देखो आसान सा क्वेश्चन है
इंडेसेस में कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, हाँ, लेकिन अगर आप 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 सीख रहे हो भी चीज है और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो भैया फिर तो इजी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगेगा और इजी क्वेश्चन भी गलत होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज ये चैप्टर सबसे इजी है। क्या होगा भी यहाँ पे, ए रेस पर टू बी एक्स रेस पर फोर होल पार कितना हो जाएगा, वन बाय, यहाँ पे क्या है, ये जो माइनस बी है पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इस पे भी पावर लग जाएगा, इस पे भी पावर लग जाएगा, क्या हो जाएगा, ए की पावर फोर बाय थ्री का होल पावर माइनस बी। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ गाइस, देख सकते हो आप, अभी सिखाया मैंने इस पावर को मल्टीप्लीकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इस पे अलग लगा दिया, एज अ पावर ही तो लगाऊंगा मैंने, एज अ पावर लगा दिया, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस फोर बाय थ्री, यहाँ पे एक्स की पावर टू बी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं बेटा, ए की पावर टू बी का होल पावर क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्स की पावर फोर का होल पावर वन बाय। बेटा अभी आप जितने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करोगे ना उतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट आपका बनेगा, अभी जितना शॉर्टकट मारोगे उतना प्रॉब्लम होगी, ध्यान रखना। तो स्टेप बाय स्टेप मैं क्यों कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ताकि क्लैरिटी रहे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे, आपको भी अभी स्टेप बाय स्टेप ही करना चाहिए। टू बी बाय एट कितना हो गया, बी बाय एक्स की पावर फोर इंटू वन बाय एट कितना हो गया, फोर बाय एट कितना हो गया, वन बाय टू इंटू ए की पावर माइनस फोर बी बाय थ्री इंटू एक्स की पावर टू बी। अब आपको सबको बताया आपने कि भैया ये दोनों एक जैसे हैं, दीज आर लाइक टर्म्स हैविंग सेम बेस गेटिंग मल्टीप्लाइड, यहाँ पे है ना, क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसमें पावर्स को एड कर, एक्स वाला भी क्या हैविंग सेम बेस, एक में पावर वन बाय टू है, एक में पावर टू भी है, ठीक है, तो पावर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है, जो भी है यहाँ पे आप कर देंगे, कितना है माइनस थर्टीन बी बाय एक्स की पावर, ओके, टू वन प्लस फोर बी, ओके, जस्ट टेक एलसीएम, वन बाय टू प्लस टू बी, यहाँ पे टू एलसीएम लोगे, वन प्लस टू टू द फोर बी। तो शॉर्टकट्स लेने में ऐसी गलतियां होती हैं, अभी शॉर्टकट ना माने बेटर है, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज द आंसर, इसके आगे हम कुछ और खास नहीं लिख सकते, ज्यादा से ज्यादा इसको हम नीचे ले आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, ये तो ऐसे रहेगा, वन प्लस फोर बी फाइव बी थोड़ी ना होता है, वन है फोर बी है, दीज आर अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड, अगर ये वन बी होता और ये फोर बी होता तो कितना होता, फाइव बी होता है ना, ठीक है, तो ये तो ठीक है, बट यहाँ पे ये फाइव बी नहीं होगा, ठीक है भाई। ए टू द पावर क्या है माइनस, अच्छा ये नीचे चल जाएगा, क्या हुआ 13b बाय, ठीक है भाई, किसी बच्चे को डाउट है क्या, क्लियर है पक्का, ओके गाइस, एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स रूट एक्स इक्वल टू एक्स रूट एक्स होल पावर एक्स, ट्राई टू सॉल्व इट, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा बिकॉज हर जगह एक्स ही एक्स नजर आ रहा है, इजी है, देखो आराम से क्या करो, जो भी सिखाया है बस वो अप्लाई करो, अपने आप आंसर आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन देख के ही डर जाओगे तो भैया गए, डरना नहीं है, ठीक है। पता कई बार क्या होता है, पेपर में एक क्वेश्चन आता है, हमें लगता है डिफिकल्ट है और हम डर के मारे ट्राई भी नहीं करते, वो क्वेश्चन कभी नहीं होता और उसमें मिलते भी नहीं मार्क्स, कभी कभी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है और आप ट्राई करते हो और सडनली देखने को मिलता है यार ये तो सॉल्व हो गया, इजी है ना, तो डरा मत करो, क्वेश्चन डिफिकल्ट होते ही नहीं है, डिफिकल्ट होते तो रिसर्च लेवल पे होते, आपके पास थोड़ी ना होते, ठीक है। हाँ जी ये एक्स की पावर वन, हाँ जी ये क्या हुआ एक्स की पावर वन बाय टू, ठीक है, जितना आता है उतना करो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, ध्यान देना, x की पावर ये जो पावर है मैं इस पे भी ला दूंगा और इस पे भी ला दूंगा, ठीक है, ध्यान देना भाई, रूट एक्स का होल पावर x, अच्छा रूट एक्स को क्या मैं x की पावर हाफ लिख दूं, जितना आता है उतना करते जाया करो और कुछ नहीं करना, यहाँ पे दोनों बेस सेम है बेटा,
So power will be added 1 plus 1 by 2. X की पावर x, यहां पे क्या हुआ, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा x by 2. ये कितना आ गया, क्या आ गया, x की पावर x plus x by 2, take LCM 2x plus x, कितना आ गया 3x by 2. ये कितना आ गया x की पावर, कोई डाउट है क्या? अब सुनो क्या करना चाहिए, बेस सेम लग रहा है, यहां पे बेस सेम लग रहा है तो पावर बस भी सेम. क्या बोला था मैंने, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या, बेस सेम होना चाहिए, दोनों तरफ बेस ऑलरेडी सेम है, लकीली ऑलरेडी सेम है एक्स एक्स, सो पावर मस्ट ऑल्सो बी सेम. ठीक है, फिर हम कुछ नहीं करते, हम अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दिया, दैट्स इट. ठीक है, टू से टू कट गया, थ्री एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू. ठीक है भाई, और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बट आराम से करो, बेसिक्स लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आती है. अगला क्वेश्चन है बेटा, डू दिस क्वेश्चन बेटा, ये हो गया 9 की पावर 1 बाय 2. वैसे तो 9 की हो, रूट 9 कितना होता है, व्हाट इज रूट 9? अच्छा सुनो भाई, थोड़ा सा रूट सॉल्व करना भी सिखा दूं, या एक काम करो, 9 का पावर 1 बाय 2 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, फुल पावर कितना है, माइनस 7. ठीक है, क्या हुआ, 9 की पावर माइनस 7 बाय 2 इंटू, ये कितना हो गया, 3 पावर 1 बाय 2, फुल पावर कितना है, माइनस 5, कितना हो गया, 3 पावर माइनस 5 बाय 2. गाइस ध्यान देना जरा, ये जो 9 है, ये जो 9 है, इसे लिखेंगे 3 पावर 2, क्योंकि कोई भी बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट एक्सपोनेंशियल में प्राइम नंबर ही हेल्पफुल होते हैं, तो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो उसे हमें प्राइम नंबर की टर्म में लिखना चाहिए. 9 क्या होता है, 3 इंटू 3, 3 की पावर 2. ठीक है, क्या होगा, यहां से पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड, 2 इंटू माइनस 7 बाई 2, माइनस 7 आ गया. ठीक है भाई, इधर क्या होगा, इधर बेस इज सेम, सो पावर विल बी एडेड. थ्री की पावर माइनस 14 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस 19 बाय, सो के इक्वल्स टू माइनस 19 बाय. ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट है? अगर ये है, आपको सॉल्व करना आता है, लॉग की हेल्प से करके दिखाओ, लॉग की हेल्प से कैसे होगा, जो लॉग से कर सकता है लॉग से कर ले. आंसर बहुत सिंपल सा है, आराम से हो जाएगा, 3 बार 2 का होल पावर 3 बार 4x इक्वल टू 3 बार 1, सो 4x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1 बाय. ठीक है भाई, इज इट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? आसान क्वेश्चन से, ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट हो. अरे बातें नहीं भाई, क्वेश्चन करेंगे, एक्स की पावर एन का होल पावर एन माइनस 1 बाय एन का होल पावर 1 ओवर एन प्लस 1. एन 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 जितने भी हैं वो 4 नहीं है, वो सारे एन है. ओके अच्छा भाई, 4 में ऐसे बनाऊंगा, ध्यान से देखना, 3 जगह 4 दिख रहे होंगे, 4 ऐसा है मेरा. ओके क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द ब्रैकेट्स. ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों पावर, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा n इंटू n, n स्क्वायर, फिर n इंटू 1 बाय n, क्या आ गया 1, माइनस 1 हो गया. ठीक है, तो व्हाट टू डू, अरे बातें नहीं, पावर का पावर फिर से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ऊपर वाला ऊपर से. ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक n स्क्वायर माइनस n 1, क्या होता है n स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, सबको ये फॉर्मूला याद हुआ, अगर याद नहीं है तो आज की डेट में याद कर लेना,
ठीक है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पहले से आनी चाहिए, नहीं पता तो मैं अभी बता रहा हूं, याद कर लेना. n माइनस वन एन प्लस डिवाइडेड बाय क्या है, एन प्लस वन. हमने कैंसिल कर दिया, x की बार क्या आ गया, n माइनस. ठीक है, सो सिंपल सा फॉर्मूला था, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत डिफिकल्ट था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. बेटा पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, x की पावर a माइनस बी. ठीक बोल रहा हूँ, आराम से क्या करो, देखो आराम से करोगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बड़े प्यार से हो जाएगा. होल पर क्या है, a प्लस बी, यहाँ पे क्या हुआ, x की पावर b माइनस बी. होल पर क्या है, b प्लस, यहाँ पे क्या है, x की पावर c माइनस a. होल पर क्या है, c प्लस. पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ठीक है, सो क्या होगा, x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इनटू x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ठीक है, कुछ नहीं किया, a प्लस b a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ाया था, नाउ ऑल पावर्स विल बी एडेड. कोई डाउट है? ओके, हाँ जी, कैसे करेंगे? हाँ जी भाई, हमें एक्स वाई जेड निकालना है. ठीक है, ध्यान देना भाई, ये ना एक्स ए रेस पर एक्स इक्वल टू बी, बी रेस पर वाई इक्वल टू सी, और ये ना सी रेस पर जेड इक्वल टू ए. सुन लो भाई, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, C की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है, B की बार Y. मैं C की जगह B की बार Y लिख दूंगा, कोई दिक्कत है क्या? क्या आ गया, B की बार Y सेट इक्वल्स में. अभी तक मैंने जो निशान बनाया बस उनका यूज किया है. यहाँ पे C था, C मैंने यहाँ से जो भी है यहाँ पे क्या था, B की बार Y पुट कर दिया मैंने. कोई डाउट है क्या? नहीं, ओके. फिर से मैं निशान बना रहा हूँ बेटा, यहाँ पे B कितना है, B रहा, और B की वैल्यू कितनी है, A की बार है. Should I write here instead of b a raised power x, तो b को हटा के एक सिंगल टर्म को हटा के कुछ लिखते हो तो ब्रैकेट यूज क्या करो, a की बार x लिख दिया, उल पर क्या आएगा, y equals to a, so a x y z equals to a. यहाँ पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, one. So x y z equals to, कोई डाउट है क्या, क्लियर है, पक्का? ठीक है भाई, बेटा ऐसा है, आपका ना होमवर्क है, एक्सरसाइज, अरे छुट्टी, एक्सरसाइज 1C पूरी कंप्लीट कर रही है, एंड ऑल एग्जांपल्स बिफोर दिस. ठीक है, और इसके अलावा मुझे पता है सबको याद होगा, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, हो सकता है एक आध बच्चा ऐसा भी हो जिसे याद ना हो, और आई थिंक ये वाला नहीं याद होगा जो मैं नीचे लिख रहा हूं. ठीक है, ये भी बहुत बेनिफिशियल है, बहुत काम आते हैं, इसलिए लिख दिया है मैंने. ये सबको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ठीक है, इसके अलावा और क्या, a माइनस बी का होल क्यूब एंड a प्लस बी का होल क्यूब याद होना चाहिए बेटा, प्लीज याद कर लेना, बीच में कहीं भी कभी भी यूज हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा दो फॉर्मूले और यूज होते हैं, तीन फॉर्मूले और, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, हालांकि मैंने नए फॉर्मूले नहीं लिखवाए इसमें, थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है ये और ये नया हो, ऐसे नया नहीं है. ठीक है, ओके, एक और लिख लेता हूं मैं, क्योंकि ये भी याद हो जाना चाहिए.
ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है।